अज दिवाली के दिहाड़े ते जोत फड़ी गई अज बंदी छोड़ दिवस ते दिवाली के त्यौहार ते सारिआं नूं लख लख मुबारकां मनुखता दी सेवा सब तो वड्डी सेवा परिवार वल्लों साडे परिवारक मैंबर अज सारे खुशियां मना रहे हैं सवेर दा ही अज असीं उस अकाल पुरख वाहिगुरु की कृपा दे नाल इह खुशियां दे अज दिहाड़ा जिहड़ा बहुत वधिया तरीके नाल साडे परिवारक मैंबर सवेर दे असीं रुझे होए हां अज जिवें तुसीं देखिआ सवेर दा इत्थे साडे भरा सेवादार वीर आ जिहड़े हलवाई वो सेवा निभा रहे ने मठियाईआं सारीआं आप तैयार कीतीआं उन्होंने वीर ने खोआ भी इत्थे मारिआ क्योंकि असीं इस बार हैल्दी सेहत भरी दिवाली मनाउण की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि पिछली बार मैं दवाइयां दिवाली के उपर बहुत भैणा भरावां ने मठियाईआं भेजीआं जिन्हां दे करके खाण दे करके तीन चार बजुर्ग साडे पिछली वारी काफ़ी सीरीयस बीमार हो गए थे तो इस बार असी यही सोचा सी भी जी भी मिठाई बनाउणी आ बाहरों संगत तो बेनती की थी भी कोई भी ना दे के जाए इतों ही असी तैयार करी है सारी मिठाई तो असी वाहिगुरू अगे अरदास करते सच्चे पातशाह अगे उन्होंने लाल जी इंसानों समत बख्श जेडे चंद सिक्कियां दे वास्ते थोड़े जे पैसों के वास्ते निके निके बच्चों के नाल बजुर्गों के नाल साडे परिवारक मैंबरां दे नाल खिलवाड़ करते हैं वो नकली दुध नकली पनीर नकली खोआ कैमिकल दे नाल बना के कुछ पैसे कुछ सिक्के तो अपने जेबा च पा लेंगे ने पर कदे देखियो उन्होंने पुछ के उन्होंने घर च खुशियां नहीं रहिंदियां वह कदे सुकून दे नाल जिंदगी नहीं बतीत करते उन्होंने बच्चे अफसर नहीं बनते उन्होंने बच्चे पायलट नहीं लगते क्योंकि जिन्होंने नाल बेईमानी के नाल जिन्होंने न्यों ही जिन्होंने नींव भी बेईमानी की रखी आ कदे भी इमारत नहीं खड़ी कर सकते उसके सच की अज साडे समाज च आके देखो तुसीं किन्ने रोज़ अखबारां पढ़ लो लखां हजारों की तादाद इदा के जेडे रैकेट फड़े जा रहे हैं जेडे नकली खोआ नकली दुध नकली पनीर बनाते हैं साढ़े निके निके बच्चे जम के बच्चों भी अभी दुध पिलाने उन्हें मावं जिन्हें बच्चे होने वाले ने वह भी उही दुध पनीर उही खोआ खादियाँ उदे करके उन्होंने जन्म तो पहले ही बच्चों बीमारियां जन्म तो पहले ही वह कैमिकल जहर खा के बच्चे बीमार होना शुरू कर देंगे एडा वड्डा पंजाब दे विच साडे समाज दे विच इस टाइम पैसे की अग लगी है खोरा लग्या होया अज लक्ष्मी माता नूं पूजना सारिआं ने लक्ष्मी माता नूं गेट खोल के रखना है भी साडे घरे साडे दरबार दे विच साडे दरबार च आ के लक्ष्मी माता बैठे पर असीं इह नहीं सोचदे भी अज उह लक्ष्मी नूं किद्दां लैके आउणे आ असीं घरे किद्दां लोकां दे हक मार के किद्दां लोकां नूं लुट के असीं लक्ष्मी नूं इत्थे अपने घर दे विच लेके आने अभी कोशिश करते हैं अपने बच्चों के वास्ते चंगा भविष्य तलाश दिया पर इतों किमें क्यों किहदा हक खाने क्योंकि ये चीज़ा अजकल इंसान के कोल सोचने का वक्त नहीं रहा साड़ी बेनती आ साडे परिवारक मैंबरों नूं भी उन्हां भले पुरशां नूं उन्हां लालची इंसानों वास्ते अरदास करो भी वाहिगुरू उन्होंने स्वास्थ्य बख्शन बल बुद्धि बख्शन वो लालच त्याग के घट्टों घट सच से खड़न जे मान लो ठीक है किरत करनी गुरु साहब ने सानू दस्या किरत करो वंड छको पर किरत करन दा मतलब यह नहीं है भी लुट के किरत करन दा मतलब यह नहीं है कि असीं पैसे बनाउण दी खातर नकली चीज़ें जहर बेचिए एक दिन तुहाडे परिवार का मैंबर भी कितने उही दुध पी के बीमार हो जाता तुहाडा बच्चा ही कितने उही गलत चीज़ खा के फूड पॉइजनिंग का शिकार हो जाए छोटी भैन संदीप कौर आ जाए हजे तीन क महीने पहले ही भैन की मौत हुई है साडी टीम की मैंबर थी पंजाब पुलिस के भैन वो भैन की हिमाचल वाल ड्यूटी लगी कि उन्हें रास्ते से एक ढाबे के उत्ते परौंठा खाधे तो कुछ चीज़ा नाल परौंठे ना जिम्मे मक्खन खा लिया या कुछ होर खा लिया वो यह जी फूड पॉइजनिंग हुई इदा की उन्हें सेहत के गड़बड़ी हुई वो जिंदगी लैके खड़ी हो वो भैन अपने स्वास्थ्य की पूंजी वो खत्म हो गई इस करके बहाना की बनया वो जहर वो कैमिकल में भरया होया वो जो उन्हें खाना खाता तो बंदे ने किन्ने पैसे बचाले हो गए जो 20 रुपए का उन्हें मान लो परौंठा दिता होगा तो जो उन्हें बिचों
15 रुपए बचा ले होंगे, 5 रुपए का माड़ा मटीरियल ला के घटिया चीजा पा के उन्हें कोठी पा ली। पर एक इंसान जिंदगी जिंदगी चलेगी, जिंदियां जिंदगियां पिछे जुड़िया हुई सारिया खड़ गई, कि घाटे की गल है कि घाटा उस परिवार को पेट का कदम पूरा ही नहीं हो सकता। पर साडे लोगों को शर्म नहीं, असं पैसे के पदार्थवादी युग के रहने, असं हमेशा अपने बारे, हमेशा आपके बारे, हमेशा असं लालच आपके वास्ते सोचते हैं, आपके बच्चों वास्ते चंगा भविष्य जरूर तलाशते हैं। पर अजक का इंसान वो हो गया, उस लकड़हारे वाला काम आ जेड़े टाने से बैठा उन्हें वढ़ रहा, यह सच्चाई आ। अज असी जेड़े थां ते खड़े हाँ, असी कैमिकल ना भरया हुआ युग, असी गंदा पानी, असी पानी के नाल हवा प्रदूषण करती, खाण पीण वाली हर चीज़ के विच असी कैमिकल भरता। किने करिया ये काम ना तुसी करिया, तुसी आपदे आप नूं पुछो, तुसी कहिंदे नहीं जी असी तां कुछ करदे नहीं। हर एक बंदा पाक साफ आ, पर हरेक बंदा वो लकड़हारा वह कुहाड़ा तुहाडे वी हत्थ 'च फड़िया होया जिहदे 'च तुसी बैठे हो, उस दरख्त नूं वढ रहे हो। बेनती आ साडे समाज नूं बदलण दे लई सानूं खुद तों शुरुआत करनी पैणी, शुरुआत तुहानूं अपने आप तों करनी पैणी आ, तां ही आपां बदल सकदे हां सिस्टम नूं। जिहड़े बजुर्गां नूं तुसी इत्थे बैठिआं नूं देखदे हो, ये कोई कीड़िया तो खादा जा रहा सी, कोई संगड़ा ना बन्निया होया सी, कोई अपना ही मल मूत्र खाने लई मजबूर सी, अपने ही सुपनिया दे घर दे विच जिहड़ा कली कली इट ला के बापू ने अपना घर बनाया, उस घर दे विच बैठा ही तड़फ रहा सी, मर रहा सी, पर कोई पुछ ना लई। उही घर बापू की मौत का भी कारण बनया, क्योंकि रिश्तेदार भरा भतीजिया नूं आया सी कि बुढ़ा मरे ते असीं इहदा घर दब्बीए, बस गल उत्थे आ गई। वीर नूं फिर पैसे ये सारे जिन्ने लोग बैठे तुम देखते हो कि ना कि जिंदगी इन्होंने को पैसा है नहीं सीगा, इस करके इन्होंने कीड़े पै गए, जहाँ को पैसा सीगा किसी होर ने खाना सी इन्होंने हालात हो गया, तो किसी के भरा ने कालू वर्गे इस करके बनिया सी कि कालू की जमीन का करोड़ों रुपया का उन्हें प्रॉफिट खाना सीगा, तो किसी वीर ने अपने भरा इस करके संगत का बनिया से बिना कपड़िया तो वाहगुरु सिंह वर्गा वीर साडा भी उसने जमीन के 6 किले बेच के खाने से, किसी ने इस करके बापू केसर सिंह ने नशे वाले टीके लाने भी इन्हू जाके बैंक अंगूठा लवाना तो जमीन बेच के खानी है। इदा के हालात आ साडे समाज, इदा के हालात आ साडे पंजाब दे विच, असीं उस गुरुआं पीरां दी धरती ते बैठे हाँ जिहदा अजे 550 साल असीं हुण मना रहे हैं। 550 साल होया अजे गुरु साहब की सोच नूं साडे ते कराई, असीं एड्डी छेती मिटाती, असीं एड्डी छेती उस सोच नूं लताड़ता। 550 साल मनाउण ते करोड़ां रुपया का खर्चा कर रहे हैं असीं, एह जी पी सी जिहदा करोड़ां का बजट आ, अरबां का बजट आ, वो कितने अज तक गुरु नानक पातशाही के नाँ के उपर एक इदा का होस्पिटल ही बना सके जिते फ्री हरेक इंसान का इलाज होगा। असी इदा का कोई एजुकेटर अदारा नहीं बना सके गुरु नानक साहब के नाँ से जिते फ्री दे हरेक इंसान पढ़ सके, गुरु नानक यूनिवर्सिटी, गुरु नानक इंजीनियर कॉलेज, दुकाना गुरु नानक पातशाह के नाँ से दुकाना खोलिया हुई, गुरु नानक इंजीनियर कॉलेज GNE दे विच एडमिशन लैण लई डोनेशन देनी पैंदी है, डोनेशन का मतलब रिश्वत देनी पैंदी है, रिश्वत का मतलब एक इंसान जिहड़ा घरों गरीब आ उह किवें उत्थे एडमिशन लै लूगा, क्योंकि उहदे कोल डोनेशन है नहीं देण लई। गुरु नानक देव जी दे नां ते होस्पिटल बनाए हुए ने लुट दा केंद्र, वल्ला अमृतसर साहब दे विच गुरु नानक पातशाही नाम दे उत्ते होस्पिटल बनाया, लाशां दे भी सौदे करदे आ, कोई डैथ हो जाती है बॉडी नहीं दी जाती, पहला कहने पैसे भराओ फिर डैड बॉडी देवे, किन्ने केस सामने आए सर। गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम से होस्पिटल बनया फरीदकोट मैडिकल कॉलेज, उत्थे जाके देखो हालात की है, कितना असीं 550 साल दे विच उस सोच नूं दमन, उस सोच का गल घोटने की कोशिश कर रहे हैं, साडे नुमाइंदे, साडे मोढ़ी, साडे लीडर, साडे पार्टियां दे उह नुमाइंदे, साडे जथेदार कौम दे, इहनूं कहीए फिर
ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੌਖਾ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਿਆ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਈਏ ਨਾ ਤਾਂ ਬਸ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਾਪੂ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਗੰਦ ਦੇ ਢੇਰ ਚੋਂ ਗੰਦ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸੀ ਬਾਪੂ। ਉਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ ਬਾਪੂ। ਕਪਾਲ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਇਹ ਕਪਾਲ ਆ ਇਹ ਵੀ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮ ਸੀ, 35-40 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਜਮਾਤੂ ਆ ਇਹ ਵੀ 40-45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮ ਸੀ। ਬਾਪੂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੋਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਧਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਵੀਰ ਸਾਡਾ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਲਾ ਵੀਰ ਸਾਡਾ ਗੁਜਰਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤਰੰਗ ਦਾ ਅਟੈਕ ਆ ਗਿਆ ਸੱਟ ਕੇ ਸੜ ਗਿਆ। ਕੇਸਰ ਬਾਪੂ ਦੇ ਲੱਤ 'ਚ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ, ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਇਲਾਜ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਦੇਣ ਲਈ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੋ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਵੀਰਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅੱਜ, ਪਰ ਉਸ ਵੀਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਕੀੜਾ ਕੇਸਰ ਬਾਪੂ ਦੀ ਲੱਤ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਵੀਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕੀੜੇ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸੋਚ ਵੀਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਉਸ ਭਰਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦਾ ਸੰਕਾਲ ਪਾਸ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ। ਬਾਪੂ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬਾਪੂ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਲੱਤ 'ਚ ਕੀੜੇ ਪਏ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮ ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਧਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, 1.5 ਸਾਲ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ 5.5 ਸਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਉਹਦੇ ਫੁੱਲਾਂ 'ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਜਾਵਟਾਂ 'ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜ, ਸਕੂਲ, ਸਟੇਡੀਅਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਤੜਫ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀੜੇ ਵਾਰ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਹੀ ਲੈਣੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਊ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਤਤ ਮਹੱਤ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਤਾ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਗੰਦਲਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਤੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ, ਮਾਤਾ ਤਤ ਮਹੱਤ, ਅੱਜ ਮਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸੀਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਹਿਰ, ਕੈਮੀਕਲ ਦੀਆਂ ਸਪਰੇਆਂ, ਰੇ 2-2, 3-3 ਗੱਟੂ 1 ਕਿੱਲੇ 'ਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੋਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਾਡੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਬੋਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਚੰਦ ਸਿੱਟਿਆਂ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਛਿੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਤਾ। ਫੈਕਟਰੀ 'ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲਾਇਆ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ 1-20 ਲੱਖ ਦਾ 30 ਲੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਸਕਦੇ। ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਬਸ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੈਮੀਕਲ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ। ਮਾਤਾ ਤਤ ਮਹੱਤ, ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੋਧੇ ਸੂਰਮੇ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਲਾਲਚੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਰਤੇ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰਤਾ, ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਰਤਾ,
पर असि अज उन्होंने सोच से चलने लिए साढ़े को समय है नहीं। अभी सिर्फ स्टेजा से बोलने योगे हाँ, अभी काम योगे कुछ नहीं, खुद असं भी बेच उन्होंने अभी हाँ। कुछ बजुर्गों की सेवा करके कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारिया, ये सब वो करवा रहे गुरु साहब, खुद हो रहा अपने आप हो रहा, वो करवा रहे ने, असं कर नहीं रहे। पर असं तो एक मैसेज देना चाहते हैं जो असं समाज विचरते हुए देखते हैं भी सानू अपने आप तो शुरुआत करनी पैनी है, सोच सानू खुद अपनी बदलनी पैनी है, ना सरकार बदल की लोड़ है, ना सिस्टम, ना समाज, सानू आपदे आप नू बदल की लोड़ है। जे असीं आपदे आप नू बदल लिया तो सारा कुछ ही बदल जूगा। बस इन्हीं एक बेनतियां ते जानकारियां तुहानू अज दिवाली दे दिहाड़े ते देनियां सी, बंदी छोड़ दिवस ते देनियां सी भी आप आपदे आप नू इक प्रण करिए, खुद अपने आप तो शुरुआत करिए, अपने नेड़े तेड़े कोई लोड़वंद बंदा जे मिलदा तुहानू तो उहदी मदद करो, शुरुआत आपदे आप तो करो, उस लोड़वंद बंदे दी तुसीं हैल्प करो ना कि कोई होर। एनआरआई वीरां नू बेनती आ किसे संस्थावां नू पैसे देण दी बजाए, किसे डेरावाद नू वधाउण दी बजाए, अपने पिंड च अपने गली महल्ले च पता करो जे कोई लोड़वंद आ उहदी मदद करो, उसकी छत बदल के दौ जो बिना छत तो पिया, उन्होंने राशन लेके दौ जो बिना रोटी तो पिया, उन्होंने पढ़ाई करा के दौ जो पढ़ाई की लोड़ आ, तो उन्होंने इलाज करा के दौ जो घर पिया तड़फ रहा। अज के दिहाड़े ते सारे लख लख मुबारक दिने, बंदी छोड़ दिवस तो दिवाली के दिहाड़े ते तुहानू सदा ही वो अकाल पुरख सच्चे पातशाह वाहिगुरू खुश रखण, सिर जापी भरी जिंदगी बख्शण, मेहर भरिया हाथ रखण, साडे मनुखता की सेवा परिवार वास्ते तुसीं भी जरूर अरदास करियो। असीं इदां ही दिवालियां मनाउंदे रहीए, इदां ही दिन त्यौहार मनाउंदे रहीए, इदां ही चंगी सोच दे नाल सेवा करदे रहीए, बस इही अरदास करदे हां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह।